सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को बकरीद ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि इस ईद में जो कुर्बानी दी जाती है खाली बोकर की या गाय की नहीं, बल्कि हमारे सभी बुराइयों को भी कुर्बानी देना पड़ता है। तो मैं इसलिए आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी जानवर आप लाए हैं कुर्बानी के लिए उसका एहतमाम करें और पर्दे का खास ख्याल रखें, दूसरे कम्युनिटी को तकलीफ न दें, क्योंकि हमारा धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना हमको रहना चाहिए और दूसरे धर्म की भी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो पाकी जी का ख्याल करें और जो खून पड़ता है रोड पे या गली में जहाँ भी जाने न दें, और जितना भी जो वेस्ट सामान निकलता है आप उसको पैकेट में डाल के म्यूनसिपालिटी से हमारे व्हीकल्स आते हैं उसमें डालें, गंदगी न फैलावें। ये ईद बड़ी कुर्बानी की ईद है। अल्लाह आप सबको हज नसीब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ईद करते रहने की तौफीक दें और सबको सेहत दे, तंदुरुस्त दिए और अच्छी मोहब्बत से रहे, यहाँ के हिंदू मुसलमानों को भी साथ भी हम मोहब्बत से रहें, हम सब मिलजुल के ले रहें। हमारा देश अमन और शांति के लिए आप लोग इस नमाज में दुआ करें कि पूरा हिंदुस्तान अमन और शांति के साथ रहे। आप सब लोगों को मेरी जानिब से ईद मुबारक और आप सब हिंदू मुसलमानों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रजाक मुफ्ती महानगर पालिका के सदस्य हूँ।